क्या आप अपने आप को बचाने के लिए किसी और की जान ले सकते हैं? अब इसका जवाब हाँ भी है और ना भी। कंफ्यूज हो गए? अभी आपके सारे कंफ्यूजन दूर करते हैं। आईपीसी के सेक्शन 96 से 106 डील करते हैं प्राइवेट डिफेंस से। इसका मतलब होता है खुद को या किसी और को किसी हार्म या इंजरी से प्रोटेक्ट करने का राइट। इन्हीं सेक्शंस में से एक सेक्शन सेक्शन 100 अटैकर की डेथ तक कॉज करने का राइट प्रोवाइड करता है। अगर अटैकर द्वारा किए गए हमले से आपको डेथ या ग्रीवियस हर्ट का खतरा हो, हमला रेप या अननेचुरल लस्ट ग्रेटिफाई करने के लिए किया गया हो, हमला किडनैपिंग या अबडक्शन करने के लिए किया गया हो, हमला किसी पर्सन को रॉन्गफुली कन्फाइन करने के लिए किया गया हो, या फिर हमला एसिड अटैक करने के इंटेंशन से किया गया हो, इनमें से किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप अपने आप को या किसी और को बचाने के लिए अटैकर की डेथ तक कॉज कर सकते हैं। पर मान लीजिए कोई आपके सर पर बंदूक रखे और आपसे कहे कि जाओ जाकर मेरी एक्स को मार दो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो क्या आप अपने आप को बचाने के लिए किसी बेगुनाह की जान ले सकते हैं? तो आईपीसी के सेक्शन 94 के अकॉर्डिंग अगर किसी पर्सन को जान से मारने की धमकी देकर उससे कोई काम कराया जाए तो उस पर्सन द्वारा किया गया कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा। बट देयर इज अ बट एंड दैट बट इज मर्डर, यानी कि आप कंपल्शन के चलते अपने आप को बचाने के लिए किसी और की जान नहीं ले सकते।